पिछले नशिस्त में गुज़श्ता इतवार अर्श मोहल्ला के बारे में बात करते रहे, उसी ज़िम्न में एक जिक्र किया मैंने रोहा के बारे में कि अल्लाह के नूर से निकलने वाला नूर किरणों की शक्ल में निकलता है। जो इस मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह का जो नूर है वो नूरुल अलका कहलाता है, उसमें से रब ताला ने जो नूर का एक हिस्सा लिया और कायनात की तख्लीक का सोचा तो उसमें से लिया जाने वाला हिस्सा नूर मरवरीद कहलाया। और नूर मरवरीद के बतन से फिर नूरुल हुदा निकला। और इसी तरह जब हम इन अनवार का जिक्र कर रहे थे तो शर्म हया की तख्लीक कैसे हुई वो जिक्र हुआ था। तो नूरुल हुदा से जो किरणें निकलती हैं वो किरणें या वो अनवार की बारिश कतरों की सूरत में आती है, वो कतरे रोहा कहलाते हैं। उनका रंग हल्का गुलाबी होता है क्योंकि उसमें आमेजश दो रंगों की है, एक वाइट और एक सुर्ख। क्योंकि वाइट नूर का हिस्सा उसमें बहुत ज्यादा है, ओवरवेलमिंग पार्ट जो है वो वाइट का है, सुर्ख बहुत हल्का है, कम है। तो इन दोनों की आमेजिश से उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है। अगर हम में से अक्सर ने वो देखा होगा, एक जो गुलाब का फूल है वो पिंक रोज कहलाता है, तो जो रंग पिंक रोज का है उससे जरा सा हल्का रंग इन कतरों का होता है। जहां पर इस नूर के कतरों की बारिश होती है और ये जमा होते हैं, इनकी खासियत ये है कि एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये कतरे जुड़ते हैं फिर, और अगर इनको जमा हुए हुए हालत में देखें तो ऐसा लगता है कि ये वेल नेट ड्रॉपलेट्स का एक बंच मौजूद है वहां, क्लोज नेट बंच होता है। तो जिस मकाम पर ये जमा होते हैं वो आलमुर रोहा कहलाता है या मकाम रोहा। अब इसमें भी आगे फिर दो दर्जे हो जाते हैं। जहां ये कतरे जमा होते हैं, जब रूह की तख्लीक का जिक्र हुआ था तो मैंने अर्ज किया था कि नूरुल हुदा के दो हिस्से थे, एक नूरुल हुदाउल मोमिनीन और एक नूरुल हुदाउल मुत्तकीन, और जिनको इख्तसार की गर्ज से नूरुल मोमिनीन और नूरुल मुत्तकीन भी कह दिया जाता। तो उनसे रूहें तख्लीक हुई थी। तो ये जो नूरुल हुदा से कतरे निकलते हैं ये दरअसल हकीकत इंसानी रूहों की तख्लीक होती है फिर इनसे। ये जो इंसान के बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है कि इंसान सोशल एनिमल है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठता है, कुरान में भी इसका जिक्र है। एक हिस्सा तो वो है जहां इन कतरों की बारिश होती है, पर वहीं से इंसानी अरवाह की तकलीफ होती है,
दूसरा हिस्सा वो है कि जो रूहें दुनिया में आके फिर लौट जाती है, इंतकाल कर जाता है इंसान, तो रूह उसकी प्रवास कर जाती है, तो वो जहां रह क्या आगे ठहरती है, नाम का प्याम होता है, वो आलम राहा कहलाता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम लास्ट मैसेज में बात कर रहे थे मकाम महमूद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फाइज कर दिए गए, तो अब हम क्या ये दुआ करते हैं कि मकाम महमूद अता फरमा दे? ये एक नेचुरल क्वेश्चन है जो जहन में उठेगा, क्योंकि अल्लाह की ये पहली तकलीफ थी इंसानी शब्द, तो अल्लाह को बड़ी अजीज थी यूनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब कहे। अब क्या जरूरत थी कि अल्लाह अपने महबूब को इंसानी शक्ल में पैदा करके जमीन पर उतार दिया, और क्या जरूरत थी कि अल्लाह अपने महबूब को जिंदगी की उन तमाम आजमाइशों में से गुजारता जिस तरह से कुल शख्स गुजर, तो इसका जवाब मैंने उस वक्त दर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशक्ल इंसान पैदा करने का, हम ही में से उन्हें पैदा करने का एक बुनियादी मकसद ये था कि अल्लाह ने हमें बनाया है वो हमारी तमाम संतुष्ट और फितरत और हुजतों से वाकिफ है कि हम किस तरह से हुजतें करते हैं, तो उस हुजत को खत्म करने के लिए हमारी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमी में से पैदा किया हमारी तरह का इंसान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आम इंसान की जिंदगी में से दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दुनिया में रहते हुए जिस दुनिया में हम रहते हैं, उन्हीं हालात में रहते हुए जिनमें हम रहते हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ जो जिम्मेदारियां हम उठाते हैं, आपने जिंदगी गुजारी, ये वजह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही में से पैदा किए हैं। तो मकाम महमूद की जो हम दुआ करते हैं वो दर हकीकत ये है कि वो खुद हम अपनी तकलीफ के लिए दुआ कर रहे होते हैं, ताकि हम भी उसी तरह की जिंदगी गुजार लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, और हम भी इस काबिल हो जाए कि मकाम महमूद को पहुंचा दिए। वो दुआ इसकी है, और इंसानी रफतों को पहुंच जाए। ये जो मेराज है हमने मेराज शरीफ किया, ये दरअसल कहते जिस्म था जो अल्लाह ने बनाया। जब तमाम तकलीफ मुकम्मल हुई, हर चीज मुकम्मल हो गई, हर सिस्टम मुकम्मल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई थी, तशरीफ लाए, बुराक के जरिए से बुला लिए गए अपने पास, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर बिठाए गए, गुफ्तगू आपकी ताजपोशी की गई, ताज पहनाया गया, और आपको अल्लाह के नायब का दर्जा अदा हुआ। उसके बाद फिर वो चीजें अदा हुई उससे पहले पैगंबर को अता नहीं, तो तादाद में 29 है, 39, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र न सिर्फ उस पर अमल करते रहे बल्कि उसकी तब्दील भी करते रहे। आता हूं वही इल्मुल अस्मा आता हुआ तब्दील की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आपके नामों का हिस्सा है,
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 70 मकामात की सैर कराई गई मेराज के दौरान। हर मकाम पर रब तआला ने उनको जो मुखातिब किया एक नए लकब के साथ मुखातिब किया, तो हर मकाम पर जिस लकब से पुकारे गए वो 70 के 70 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक का हिस्सा बने। तो यूं ये 99 नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप जरा इससे नीचे उतर आइए तो सातवां आत्मा है, यहां मकाम इब्राहिम, और इसके जो निगरान है इस मकाम के वो दो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। फिर इनके मातहत 10 लाख फरिश्ते जो अपने वहां मामला को सर अंजाम देते हैं, कामों को सर अंजाम देते हैं। और यहां हाकिम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यहीं पर बैतुल मामूर भी है, और ये बैतुल मामूर पहले आसमान से ही नुमाया दिखाई देने लगा। इसी आसमान पर अल्लाह ताला के जारी करदा अहकाम की इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी होती है, और यही जो फैसला आगे रवाना है और इम्प्लीमेंटेशन वहां ये प्रोसेसिंग होती है। अब आप ये देखिए कि एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जमीन पर खाने काबा है और उसके बिल्कुल पास मकाम इब्राहिम है, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कौन का निशान है। तो बड़े काबिल गौर चीज है, उसे नीचे उतरेंगे तो छठा आसमान आएगा। यहां के हाकिम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और निगरान फरिश्ते का नाम है रुपायल अलैहिस्सलाम, और इनके मातहत 6 लाख फरिश्ते। वो जो आवाज आई कि सितारा तुम्हारा खुदा नहीं है, आवाज किसकी थी, क्या थी? नूर खुदा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह दिया कि सितारा तुम्हारा रब नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आग है उसको ठंडा कर देने वाला कौन सा नूर था? नूरदारी था जिसने इसे ठंडा किया, फरिश्ते की ताकत नहीं थी जो उसे ठंडा कर। वो आवाज नूर हुदा की, वहां आग जलती भी दिखाई दी, वो नूर मरवारीद की थी, और जो तजल्ली दिखाई गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो खुद अपने रब का दादी नूर का नूर अलका, इसीलिए पहाड़ रेजा रेजा हो, और आज भी वहां से आई नौ। तो जो उस दिन मैं अर्ज कर रहा था कि जहां नूर होगा वहां अंधेरा होगा और स्याही जरूर हो, मैंने खाना काबा के पक्षों के क्या होने की वजह भी बता चुकी उसको, तूर पर भी वही कुछ है। तो जो असा फेंक देने का हुक्म हुआ वो भी नूर रोजा, और जो असा बंद किया वो नूर मर पारी। तो ये नूर आपको हर जगह का फरमान नजर आए, और ये सिलसिले में गुजारे आपसे करेंगे। तो कोई वली अल्लाह कामिल नहीं होगा, कोई पैगंबर कामिल नहीं होगा जब तक कि उसको नूरुल हुदा का अदराक ना हो जाए। अदराक होता है
और एक चीज आज बड़े राज की मैं अर्ज करता चलूंगा आपसे, रिकॉर्ड नहीं हो रही, यही रह जाएगी बात। अल्लाह के नूर के दो रंग है, ये एक तमाचा। आप नूरुल हुदा को देखेंगे तो दूधिया नजर आएगा, ट्यूबलाइट की रोशनी होती चमकदार, ट्यूबलाइट की रोशनी इतनी चमकदार नहीं होती, वो ब्राइट बहुत होता है, दूधिया मिल्क वाइट। लेकिन नूरुल हल्का जो है बहुत हल्का नीला, आसमानी नीला है, इससे 50% लाइट अच्छी है, लेकिन क्या ही चमकता, ये दो रंग मिलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के भी दो रंग हैं। हर रूह का अपना एक रंग होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो हैं, एक सब्ज और एक सफेद। ये आप देखिए जो नूरुल हुदा है इसकी ज्यारत हो जाया करती है अक्सर लोग, तो कहते हैं अल्लाह का नूर फैला था दूधिया रंग का चमकदार, वो नूरुल हुदा दिख रहा होता है। लेकिन नूरुल हल्का की ज्यारत बहुत कम लोगों को हुई है, चिदा चिदा और ये काम को। वो जो अल्लाह फरमाता है कि दोबारा जिंदा किए जाओगे और मेरे सामने पेश कर दिए जाओ, वो आलमुल राहा सही उठेंगे और अपने अपने जिस्म को पहचान के उसमें दाखिल हो जाएंगे, वो अल्लाह के हुजूर पेश कर दिए जाएंगे, वहीं से होगा। जब आप लोगों के एक से एक बात कहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर लीजिए, तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत करूंगा जो हदीस के खिलाफ हो? भाई साहब, बात यह है कि हमारा तो किबला ही वही है, हमारा तो ठिकाना ही वो दहलीज है, उसके अलावा कहीं कोई ठिकाना नहीं, तो इसलिए मैं तो उसी ठिकाने पर जाता हूं, एक ही दहलीज है मेरी, जिसको पकड़ के बैठ जाता हूं। तो रब के यहां तो जाते वैसी शर्म आती है, किस मुंह से जाऊं कि सारी उम्र गुजार दी अल्लाह की नाफरमानी में, हर वो काम किया जिससे अल्लाह ने मना किया, मैं हर वो काम करता ही रहता, तो क्या मुंह लेके जाऊंगा अल्लाह के पास? अलबत्त वहां चूंकि रहमत ही रहमत है मदीना मुनव्वरा में, वो सीने से लगा लेते हैं कि ठीक है उम्मत ही तो है मेरा, चाहे कितना गुनाहगार और है तो मेरा उम्मत, सीने से लगा लेते हैं ये बात।